चार सीट पर जीता। मीडिया की बात करते हम वो नहीं, हम वो दलाल मीडिया नहीं है। सुनिए, अगर मैं भाई साहब मीडिया नहीं, मीडिया मेरी बात सुने, अगर मैं मीडिया की बात करता हम वो नहीं है जो 401 पार करा दिए थे। क्या बोला कि 400 का नारा मोदी, 400 का 500 का नारा देगा। अरे सरकार बना दिया महाराज, सुनिए पहले हमारी बात सुनिए। सरकार बना दिया महाराज, 15 साल से कांग्रेस 99 पटकी हुई है, शतक नहीं मारा, 15 साल से नहीं लाया। हम मोदी अकेला 240 ले आया, तो अभी पूछ रहे कहां है सरकार, किसकी सरकार है, किसकी सरकार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बोले, मोदी ने प्रधानमंत्री बन रहा है, तो आज नीतीश बाबू को आज पोटने के फिर में आ जाइए, एक बार पलटी मार दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मेरी डार्लिंग चली गई है तो मेरा नौकरी चला गया। अरे नीतीश कुमार पलटी इसीलिए मारते, पता करने जाते कहां कहां घपला करके सब रखा है, फिर आके वहां पर रेड मारेंगे। बात समझ आया, आया समझ आया। पहले ईवीएम को सवाल उठते थे, आज क्यों नहीं ईवीएम को अगरबत्ती दिखा रहे हैं। वह ईवीएम बाबा बहुत अच्छा किए। ये तो 240 सीट अकेले बीजेपी का है, ठीक है, बना रहा है। 38 पार्टी मिला करके 240, 38 पार्टी मिला के लाई है। इन सबको काहे के लिए माइक बना देते हो यार, जिसको कुछ मालूम नहीं है। लोकसभा चुनाव होने के बाद अभी तक कोई भी जो है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लिया है। क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगी, ये तमाम सारे सवाल जो है कि अभी खटक रहे हैं। अभी बिहार की राजधानी पटना में है, लोगों से बात करते हैं कि सरकार इस बार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है, किसकी सरकार बन रही है। सर बीजेपी का बन रही है, मोदी सरकार, मोदी पीएम बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय पलटी मार सकते हैं। जब नीतीश बाबू जाकर के वहाँ साइन करके दे दिए कि हम समर्थन में एनडीए के, तो फिर कैसे जनता कह देगा कि विपक्ष में जा रहे हैं। तो वो तो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है ना, नौ को नजर आएगा ना। तो सर आपको याद होना चाहिए कि अटल जी की भी सरकार 13 दिन चली थी। अटल जी मोदी जी नहीं है, अटल जी थे। मोदी है, घर-घर मोदी है, ये घर-घर तक पहुंचने वाला है। तो इस बार सीट कम क्यों हो गया? बहुत ब्रेन था और उन्हीं के अथी पर बीजेपी चल रहा है, उन्हीं के अथी पर चल रहा है और उसी का विकास मिल रहा है। भाजपा को जो नीतीश कुमार जी रहेंगे बीजेपी, अटल जी का ही फायदा मिल रहा है, समझे। और मोदी जी का जो दिमाग है, अटल जी का दिमाग से बहुत काफी ऊपर है, चूंकि वो घर घर पहुंचे हैं। नीतीश कुमार की कोई गारंटी है कि 5 साल एनडीए में समा अपना साथ दे दे? आज तक कौन पीएम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपके दरवाजा पर आया? बिहार में आए इंदिरा गांधी आई 80 में पटना साहिब में गोली कांड करवाई, याद है ना, 1980 में। मेरी बात सुनिए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी के भी एक मिनट, सवाल का जवाब दीजिए। आप खेल गोली कांड हुआ, मोदी जी बम ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए, पटना के गांधी मैदान में बस्ट। हाँ बताइए सर, सरकार किसकी बन रही है, एनडीए या इंडिया? वो सारा जनता डिसाइड कर चुका है किसकी सरकार बनेगी। कहाँ डिसाइड हुआ सर? बिना जनता में दो ही लोग हैं, इस तरह चंद्र बाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो चाहेंगे उसी का कहना। अगर राजधानी नहीं बनेगा तो ये सरकार गिर, ये बैसाखी पे चल रहा है। कुमार जी पलटी किसी भी कीमत पर नहीं मार सकते हैं। नीतीश कुमार को बिहार का विकास करना है, जब तक सरकार के साथ नहीं रहेंगे बिहार का विकास नहीं होगा, समझे। मान लीजिए पलटी मार दी है तो 292 है, 12 को हटेगा तो कितना बचा, 280, 272 चाहिए, तभी तो सरकार बच रहा है। अरे यार पलटी मारेंगे ही नहीं, नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी थे, इन लोगों के साथ कितना दिन के लिए गए, यहाँ भी तो बिहार में बीजेपी के साथ ही सरकार चला रहे हैं, समझे। तो फिर क्यों ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश जी कभी भी, कयास कौन लगा रहा है, जो 25 सीट पर लड़ा 4 सीट पर जीता। मीडिया की बात करते हम वो हम वो दलाल मीडिया नहीं है। सुनिए, अगर मैं भाई साहब मीडिया नहीं, मीडिया मेरी बात सुनिए, अगर मैं मीडिया की बात करता हम वो नहीं है जो 401 पार करा दिए थे। आप क्या बोल रहे हैं, सुनिए हम बोल रहे हैं, आपने क्या बोला कि 400 का नारा मोदी, 400 का 500 का नारा देगा, ठीक है 400 का नारा दिया और मोदी 350 भी लाना लेता ना, तो ये जमात भीड़ आप लोग बोलते क्यों नहीं 350 क्यों लाए, 400 क्यों नहीं लाए। अरे सरकार बना दिया महाराज, सुनिए पहले हमारी बात सुनिए, सरकार बना दिया महाराज, 15 साल से कांग्रेस 99 पटकी हुई है, शतक नहीं मारा, 15 साल से नहीं लाया। हम मोदी अकेला 240 ले आया, तो अभी पूछ रहे कहां है सरकार, किसकी सरकार है, किसकी सरकार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बोले, मोदी ने प्रधानमंत्री बन रहा है, तो आज नीतीश बाबू को आज पोटने के फिर में आ जाइए, एक बार पलटी मार दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मेरी डार्लिंग चली गई है तो मेरा नौकरी चला गया। अरे वो नीतीश बाबू थे सुशासन सिंह बाबू की नौकरी लगा, अभी 10 साल का 20 लाख 30 लाख नौकरी लगेगा, सब समाज को उत्थान होगा। मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहते हैं, 18% आपका है, छुप के जाकर
अभी खाला सब वोट देते हैं, मगर कितना सीट आपको मिला है? 99 में हो सकता 40 मुस्लिम से बात जीत गया होगा, 25 जीत गया होगा। अरे यार शर्म करो, अभी भी शर्म करो। तुम लोग का यूज एंड थ्रो नीति ये लोग कांग्रेस वाले कर रहे हैं। कितने सीट तुमको दिए राजद वाले ने? कितने मुस्लिम समाज को टिकट दिया? यादव समाज को जिसने तमाचा मारा, पप्पू यादव का कला शेर है, ललकार का पूरा पार्टी चली गई थी इनको हराने के लिए, वो जीत के दिखला दिया। आप बताइए असली शेर। नीतीश कुमार का इतिहास देखा जाए तो कैसे विश्वास करें कि वो रहेंगे? इतिहास है यार, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ज्यादा टाइम रहे हैं, थोड़ा दिन के लिए गए हैं आरजेडी के साथ, कब केंद्र में। सुनिए, वाजपेयी जी के साथ थे नीतीश कुमार, गठबंधन में थे, कब पलटी मारे हैं? कभी मारे हैं? नीतीश को चाहिए बिहार का विकास, विकास तभी होगा जब बीजेपी के साथ रहेंगे, ठीक है? बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, आप क्यों फिर में है? पलटी क्यों मारते? अरे नीतीश कुमार पलटी इसीलिए मारते, पता करने जाते कहाँ कहाँ घपला करके सब रखा है, फिर आके वहाँ पर रेड मारेंगे। बात समझ आया? आया समझ आया? गुप्त पेट में बोल देता है। तब इस बात पे अगर एनडीए में है तो उनमें भी पता करेंगे कौन घपला किया। नीतीश बाबू यही तो ईमानदारी का गारंटी है। मोदी के जनता जनार्दन जिता रही है। पहले ईवीएम को सवाल उठते थे, आज क्यों नहीं ईवीएम को अगरबत्ती दिखा रहे हैं? वाह ईवीएम बाबा बहुत अच्छा किए। ईवीएम को वो क्या गाली देते थे, हैक कर गया था, ये कर गया, वो कर गया, क्यों नहीं है? अरे 15 साल से कांग्रेस उतना सीट नहीं लाई है जो 2024 में मोदी ने अकेला ले आया। अकेले कांग्रेस लाई है, रिकॉर्ड है 400 पार वो लाई है, बिना बोल के लाई है। हाँ बिना बोल के लाई है कांग्रेस। उसके बाद मनमोहन सिंह का सरकार बना 145 सीट, सुनिए 145 सीट था मनमोहन सिंह सरकार बनाए थे 2004 में। उसके बाद 206 सीट 204 के बाद में जो बनाया 2009 में 206 सीट था। ये तो 240 सीट अकेले बीजेपी का है, ठीक है, बना रहा है। 38 पार्टी मिला करके 238 पार्टी मिला के लाई है। इस सबको काहे के लिए माइक बढ़ा देते हो यार, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है। 38 पार्टी मिला के है, अकेले बीजेपी है, अकेले बीजेपी है। बारात जो जाता है ना, सुनिए, बारात जो जाता है ना, हो गांव का बारात जो जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, गांव गांव सब जाता है, चाचा को, फुफा को, मौसा को, पड़ोसी के भी सबको ले जाता है। क्यों? क्योंकि मजबूती हो। पहले जैसी आजादी रहेगी बीजेपी को, एनडीए को, जो फ्रीडम से काम कर पाएगा? अरे वाजपेयी जमाने से ये बोले तो मोदी जी, वाजपेयी सरकार का 5 साल 15 साल का सरकार चल चुका है इंडिया का। नायडू भी बोल दिए हैं पूरा फ्रीडम होगा, नीतीश कुमार भी बोल दिए, चिराग पासवान हनुमान 5 सीट लड़ा, 5 सीट जीता, ठीक है, 5 सीट पर लड़ा, 5 सीट जीता है चिराग। भारत भारत एक नई सोच जो आपका मिशन है ना, वो भारत एक नई सोच को ये दर्शाता है कि मोदी इस बार के आने वाला 24 के बाद भी, मोदी जी ने बोल दिया पिछले 10 साल के लिए सोचना नहीं है, काम विकास चालू रहेगा, ठीक है। मोदी जी अच्छा आदमी है, मगर बिहार में के आदमी मोदी जी के लिए बम खाता है, लेकिन मोदी मोदी बोलते रहता है, हिलता नहीं है, लेकिन मोदी जी वोट लेते हैं चल देते हैं महाराष्ट्र गुजरात में फैक्ट्री खोले, बिहार के लिए विकास कुछ नहीं किया। काम करते हैं हम अति स्प्लाइसिंग काम करते हैं। बिहार में काम करते हैं कि बाहर काम? बिहार में काम करते हैं। हाँ। आपको रोजगार बिहार में मिला? मैंने बिहार में फैक्ट्री खुलना ना चाहिए कम से कम। कितना सैलरी मिलता है? हम खुद ठेकेदार है, खुद मिस्त्री हैं। ठेकेदार भी है, मिस्त्री भी है? कितना कमा लेते हो महीना का? 50-60 हजार। इससे अच्छा रोजगार? मतलब कि हमको पेट भरने से नहीं ना होगा, ठीक है, ठीक है। वंदे भारत निकाले, वंदे भारत निकाले, गरीब भारत भी चाहिए ना। वंदे भारत अमीर आदमी के लिए, गरीब के लिए कोई भारत निकाले? एक गरीब भारत के लिए निकालना चाहिए ना, सिर्फ पैसेंजर बोगी, लेकिन नहीं कुछ निकालते हैं। वोट लेते हैं 40 सीट यहाँ से, 80 यूपी से, फैक्ट्री खोलते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। हमको बिहार का हक बिहार के आदमी नहीं मांगता, ऐसा क्यों? बिहार के आदमी को हक मांगना चाहिए ना। चलता है गरीब रथ शुरू से बुक रहता है, समझे? है ना कि बीजेपी 240 लाई है, कोई भी सरकार परमानेंट नहीं। आज बीजेपी के साथ बीजेपी दो पार्टी से स्टार्ट किया था, 240 है। इस घमंड ना करे कि 240 हमेशा रहेगा। कांग्रेस भी सत्ता में आएगी, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, जो ईडी के धमकावा दे रहा है राहुल गांधी, विपक्ष को धमका रहा है ईडी और सीबीआई, एक दिन सत्ता बदलेगी और तब पता चलेगा कि ईडी और सीबीआई दुरुपयोग कैसा होता है। आज 240 आपके पास है, आप बता रहे कि सत्ता एक दिन जरूर बदलेगी। जिस दिन बदल गई तो तब नरेंद्र मोदी और बाकी नेता उसको पता चल जाए कि भाई संवैधानिक कौन सरकार है जो देश को अच्छे से चला सके। कौन?
देश को कोई नहीं चला पाएगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, कोई सरकार नहीं चलाएगा। अभी जागरूक नहीं है, नहीं है, जात पात जब तक खत्म नहीं करेगा जनता तब तक सरकार नहीं चलेगा, बता रहे हैं। कैसे जागरूक भैया, जनता जागरूक हो रहा है, 10 साल में जागरूक हुआ, 15 साल और मान के चलिए, लेकिन 15 साल अब नहीं है, अब 5 साल है, अब 5 साल, 5 साल में जनता जाग जाएगा, 10 साल जाग गया, 5 साल और जागेगा, 5 साल में जात पर चल रहा था, सूतल नहीं था, जात पर हमर जात जात कुछ दे रहा है, बोल रहे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए भाई, जात पे तो बोल दिया, धर्म पे नहीं बोले। मोदी जी का एक भाषण बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की या इंडिया की, आने वाले वक्त में जो है कि समय ही बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।